आयुष्मा और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। एसएस राजामौली की फिल्म बाहुबली 2 द कॉन्क्लूजन बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है। बॉक्स ऑफिस की रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म देश भर में 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस कर चुकी है। प्रभास और राणा दग्गुबाती स्टारर इस फिल्म में अनुष्का शेट्टी ने देवसेना का मुख्य किरदार निभाया है। देवसेना का किरदार बेहतरीन तरीके से निभाने के लिए अनुष्का की जमकर तारीफ हो रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अनुष्का अपने पहले फोटोशूट से फिल्म मेकर्स को इम्प्रेस नहीं कर पाई थी। उनके पहले फोटोशूट की तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं। अनुष्का ने अपने करियर की शुरुआत पुरी जगन्नाथ के डायरेक्शन में बनी फिल्म सुपर से की थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपना पहला प्रोजेक्ट पाने में अनुष्का को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अनुष्का के पहले फोटोशूट को रिजेक्ट कर दिया गया था। इस फोटोशूट की पिक्चर्स इन दिनों वायरल हो रही हैं, जिसमें अनुष्का लाल और काले रंग के सलवार सूट में दिख रही हैं। बताया जाता है कि अनुष्का का ये फोटोशूट जब रिजेक्ट हुआ तब उन्होंने दूसरा फोटोशूट करवाया। इसके बाद उन्हें डेब्यू फिल्म करने का मौका मिला। सुपर के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अनुष्का बाहुबली सीरीज के अलावा वानम, सिंगम 2, रुद्मा देवी, लिंगा जैसी फिल्मों में अहम किरदार निभा चुकी हैं। आपको बता दें कि बाहुबली का दूसरा भाग 28 अप्रैल को रिलीज हुआ था। बॉक्स ऑफिस की रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म के हिंदी वर्जन ने शुरुआती 3 हफ्तों में 325 करोड़ रुपए की कमाई की थी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टेलीविजन और बॉलीवुड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट।